अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे लोग जो कि मेरे वीडियो में फाइनल एग्जिट, कफाले, फरू या फिर ट्रांसफ़र से रिलेटेड अपना सवाल करते हैं और कमेंट करते हैं, तो आज के इस वीडियो में उन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करूंगा, आपका जो डाउट होता है उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इन चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके भाई का थोड़ा सा भला हो जाता। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर जरूर कर ले, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि हुरू वाले का बताओ यहाँ से जाकर वापस आ सकता है या नहीं। तो देखिए भाई लोग, जो लोग भी हुरू के केस में जाते हैं वो नहीं आ सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किधर से गए हैं। अगर आप तहरील से गए हैं तो फिर आप लाइफ टाइम के लिए बैंड हैं। अगर आप एमबीसी के थ्रू गए हैं तो उस केस में आपको 8 साल के लिए बैंड कर दिया जाता है मैक्सिमम, उसके बाद फिर आप आ सकते हैं। अब चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक कमेंट है मेरे भाई का, आई हैव कॉन्टैक्ट 2 ईयर्स बट कफील सेड गो अनदर कंपनी ऑल्सो एकामा एक्सपायर दिस इशू एनी प्रॉब्लम कमिंग ब्रो आई ही सेड 2 वीक फाइन कंपनी ही विल बी मेक एनी प्रॉब्लम। देखिए जो लोग भी इस तरह का है, इनका कहना है कि मेरा जो एकामा एक्सपायर है लेकिन उनका कंपनी इजाज़त दे रहा है कि आप अपना नकल कफाला ले लें, ठीक है, उनका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का। देखिए आप जब भी नकल कफाले के लिए जाएंगे, आपका एकामा एक्सपायर है, आप अपना नकल कफाला ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अगर आपका कफील कह रहा है तो कोई मुश्किल नहीं, आप अपना नकल कफाले के लिए वहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्यों आप रिक्वेस्ट आएगा, आपका कफील अप्रूव कर देगा, आप भी अप्रूव कर देंगे और आपका नकल कफाला वहाँ पर हो जाएगा। आप क्योंकि आपका कफील खुद ही कह रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, तो आप अपनी नकल कफाला वहाँ पर ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई क्यों आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर्स का दिख रहा है बट कंपनी ने पेपर 2 साल का साइन किया है, कौन सा वैलिड है, क्या मैं 1 साल में फाइनल एग्जिट जा सकता हूँ। तो देखिए क्यूवा पे जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, 6 महीने का भी होता है, 3 महीने का भी होता है, 1 साल का भी होता है, 5 साल का भी होता है, तो जो आपका पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है पेपर वर्क में 2 साल का, वो यहाँ पे वैलिड होगा। 2 साल के बाद आपके क्यूवा पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, चाहे वो 5 साल का बने चाहे वो 1 साल का बने, वो उसके हिसाब से चलेगा। लेकिन आपका क्यूवा पे अभी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट शो करा, लेकिन आपने सिग्नेचर किया है 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, अभी आपका जो है 2 साल कम्प्लीट नहीं हुआ, क्यूवा पे आपका 1 साल कॉन्ट्रैक्ट शो कर रहा है, तो इस केस में आपका पहला कॉन्ट्रैक्ट यानी जो आपने पेपर वर्क साइन किया है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, ना कि आपका क्यूवा का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। उसको आप टर्मिनेट भी करते हैं तो आपको मुश्किल होगा, क्योंकि आपका जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है साइन किया हुआ पेपर वर्क में, वो फिनिश नहीं हुआ, ठीक है मेरे भाई लोग। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, अगर पासपोर्ट नहीं है तो क्या करूँ भाई, फाइनल एग्जिट लग जाएगा। देखिए जिन लोगों का भी फाइनल एग्जिट जाना है और उनके पास उनका पासपोर्ट नहीं है, तो आपका फाइनल एग्जिट लग जाता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। उसके लिए आपको सिंपली एम्बेसी में जाना पड़ेगा, एम्बेसी में जाएंगे वहाँ पर आप अपना बताएंगे कि मेरा पासपोर्ट नहीं है, फिर वहाँ पर आपसे जो है आपका नेशनल आईडी कार्ड मांगा जाएगा, जैसे वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या फिर कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट जो कि प्रूफ करता हो कि आप उस कंट्री से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स आप देंगे, वहाँ पे आपका जो है 1 दिन के लिए वाइट पासपोर्ट अप्लाई किया जाता है, यानी 48 आवर्स के लिए वो पेपर आपका वैलिड होता है, उसको लेकर के आप अपना टिकट लेकर के फाइनल एग्जिट जा सकते हैं, उसके बाद फिर वो पेपर बेकार हो जाता है, 48 आवर के बाद वो कोई काम का नहीं रहता, यानी अनवैलिड हो जाता है, उसके बाद फिर आप अपने कंट्री में जाकर अपना नया पासपोर्ट बनवा लें। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। मेरे एक भाई का सवाल है, ब्रदर मेरा एकामा अभी 1 साल का बाकी है, क्या मेरा फाइनल एग्जिट लग सकता है। देखिए फाइनल एग्जिट अगर आपका एकामा बाकी है तो फिर आपका मुश्किल होता है फाइनल एग्जिट लगाने में, क्योंकि अगर आप फाइनल एग्जिट के लिए अप्लाई करते हैं तो कफील आपको या कंपनी जिसमें भी आप काम करते हैं वो आपको वो एकामा का पैसा पे करने के लिए बोलेगा, तो लिहाजा आप अपना एकामा को फिनिश कर लें, 1-2 महीना बचे, आप अपना फाइनल एग्जिट के लिए अप्लाई करें, आप अपना फाइनल एग्जिट चले जाएं। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा क्यूवा पे कॉन्ट्रैक्ट शो नहीं करता है और मैं कफाला लेना चाहता हूँ, दूसरी कंपनी रेडी है मुझे लेने के लिए और मेरा एकामा अक्टूबर में ख़त्म होगा, क्या प्रोसेस है भाई कुछ बताएँ। तो देखिए अगर आपका क्यूवा कॉन्ट्रैक्ट नहीं शो कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना सिंपली कॉन्ट्रैक्ट
आप अपना तलब मंगाएं यानी कि रिक्वेस्ट मंगाएं क्यूआर पे, आप अपना कफाला वहाँ पे ले सकते हैं। जब तक आपका इकामा वैलिड है तब तक नहीं ले सकते हैं, जब आपका इकामा एक्सपायर होगा तब ले सकते हैं। अगर इकामा वैलिड है, आपका कफील अप्रूव कर देता है तो फिर वहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है तो फिर आपके आपके कफील के कंपनी के परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली क्यूआर पे रिक्वेस्ट मंगाएं, आप अपना कफाला वहाँ पर ले लें। चलिए देखते हैं दूसरे कंपनी को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई हमारा एग्रीमेंट क्यूआर पर नहीं है, पेपर पर एग्रीमेंट बाकी है, मैं फाइनल एग्जाम जा सकता हूँ। तो देखिए, क्यूआर पे आपका एग्रीमेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनल एग्जाम जाने के लिए आप अगर नए आए हैं यहाँ पे, आपका जो है पेपर वर्क पे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उस केस में आपको अपना 2 साल कॉन्ट्रैक्ट को कम्प्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप अपना फाइनल एग्जाम जा सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा बॉर्डर नंबर पे हुरूप लगाया है, क्या मैं नकल का फाला करवा सकता हूँ या हो खुरूज निहाई जा सकता हूँ? तो देखिए, चाहे आपका बॉर्डर नंबर पे हो चाहे आपका एकामा पे हो, अगर आपको हुरूप लगा हुआ है तो आपके पास 60 दिन का टाइम होता है। 60 दिन के अंदर में आप अपना नकल का फाला ले सकते हैं, 60 दिन के बाद फिर आपका नकल का फाला नहीं होगा, और 60 दिन के अंदर ही में आपको अपना खुरूज निहाई जाना होगा। 60 दिन के बाद फिर अगर आप नहीं जाते हैं तो आपका खुरूज निहाई भी नहीं लगेगा, यानी कि आपका जो है हुरूप भी नहीं हटेगा न खुरूज निहाई लगेगा। इसलिए 60 दिन से पहले या तो आप नकल का फाला लें या तो खुरूज निहाई चले जाएं। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, सर मेरा भाई को कार मैकेनिक से जेल में बंद है, क्या होगा? देखिए, ये तो कुछ कंडीशन आपने पूरा फुल नहीं बताया कि किस केस में वो बंद है, क्या तरीका, किस वजह से गया है। आप मुझे जो है फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कॉल करें, फिर मैं समझने के बाद ही आपको बता पाऊँगा। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। तो यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल, भाई 2 साल से पहले इकामा एक्सपायर, कितने दिन का होना चाहिए फाइनल एग्जिट के लिए? देखिए, फाइनल एग्जिट के लिए इकामा अगर आपका एक्सपायर है तो फाइनल एग्जिट आप जा सकते हैं, उसका कोई डेट वगैरह नहीं होता। 2 साल से पहले आप जो है नहीं जा सकते हैं, एज अ पेपर वर्क जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 2 साल का होता है, उसके बाद आप अपना फाइनल एग्जिट जा सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा फाइनल एग्जिट लगाया है, मैं क्या करूँ, मेरा एकामा अभी वैलिड है? तो देखिए, जो लोग भी जिनका भी एकामा वैलिड है लेकिन उनके ऊपर फाइनल एग्जिट लगा दिया गया और वो जो है नहीं जाना चाहते, तो इस केस में आप क्या करें, सिंपली लेबर कोर्ट जाएं, लेबर कोर्ट में जा कर के आप अपना बताएं कि मेरा एकामा वैलिड है लेकिन मेरा जो है कफील कंपनी ने फाइनल एग्जिट लगा लिया और मुझे जो है अभी नहीं जाना है। तो इस केस में क्या होता है, अगर आपका एकामा वैलिड होता है तो फिर आपका जो है फाइनल एग्जिट को कैंसिल कर दिया जाता है। क्योंकि ये केस मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये केस रमज़ान के महीने में ही एक बंदे का हुआ था, उसी ने ही मुझे ये अपडेट दिया कि अगर किसी का एकामा वैलिड हो और फाइनल एग्जिट लग गया हो तो एकामा वैलिड रहता है तो फाइनल एग्जिट लेबर कोड कैंसिल कर देता है। तो ठीक है मेरे भाई, आप लेबर कोड जाएं, अगर आपका एकामा वैलिड है वहाँ जाके बताएं, आपका फाइनल एग्जिट कैंसिल हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मैं 18 महीने हो गया कंपनी एकामा नहीं बनाई है, इंडियन एम्बेसी फाइनल एग्जिट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, 55 डेज हो गया है, अभी तक कोई SMS एंड कॉल नहीं आया है। इंडियन एम्बेसी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर से ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हो अपने मोबाइल से। भाई इंडियन एम्बेसी कितने टाइम लगाता है प्लीज़ बताएं। देखिए, इंडियन एम्बेसी से फाइनल एग्जिट जब भी आप अप्लाई करते हैं तो उसका कोई सर्टेन टाइम, फिक्स टाइम नहीं है कि आपका 2 महीने में लगेगा, 3 महीने में लगेगा, कुछ कुछ लोगों का 4-4 महीने लग जाता है एम्बेसी से फाइनल एग्जिट लगने में। ठीक है मेरे भाई लोग, तो इसका मैं कुछ सर्टेन टाइम आपको नहीं बता सकता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश किया है, जो आपका डाउट होता है उसे क्लियर करने की कोशिश किया है। आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कॉल करके बात कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए